महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनते ही एक्शन में आ गई है नवनीत राणा। अब उमेश कोल्हे और कन्हैया लाल के एक भी गुनेगार नहीं बचेंगे। जिस पुलिस कमिश्नर पर नवनीत राणा ने आरोप लगाए थे, 15 दिन बाद उसी ने पूरा खुलासा कर दिया है। सच्चाई जानकर आप भी कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए था। नवनीत राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन इन्हें मोदी और अमित शाह की बेहद खास माना जाता है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कोई हो, लेकिन नवनीत राणा अमरावती में किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि नवनीत राणा ने सीधे अमित शाह को एक पत्र लिखा था और उमेश कोल्हे के साथ जो हुआ उसकी कहानी बताई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच एनआईए ने संभाल लिया। एक दिन पहले जब उमेश कोल्हे के परिवार से नवनीत राणा मिली तो उनके हालात को देखकर भावुक हो गई और रोने लगी। राजस्थान और महाराष्ट्र में जो गहलोत और उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए, नवनीत राणा ने अकेले करके दिखा दिया। लेकिन ये लड़ाई अब नवनीत राणा और पुलिस कमिश्नर आरती सिंह के बीच शुरू हो गई है। राजस्थान और महाराष्ट्र के अमरावती में जो हुआ, दोनों ही वारदात एक जैसी हैं। दोनों ने ही नूपुर शर्मा का समर्थन किया था, जिसके बाद दोनों को टारगेट करके फोन पर धमकियां मिली, उसके बाद उनकी क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई। कुछ गैंग ऐसे भी हैं जो लोगों को जान से मारने की अभी भी फोन पर धमकियां दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उद्धव ठाकरे ने जो नहीं किया, वो अब नवनीत राणा कर रही हैं। नवनीत राणा का आरोप है कि राजस्थान की घटना से पहले 21 जून को ही उमेश कोल्हे को मार दिया गया था। उद्धव ठाकरे सरकार गिरने के बाद जब बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू की। पिछले महीने नवनीत राणा हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में आई थी। उस दौरान भी इनके समर्थन में कई कैंपेन चलाए गए थे, यहाँ तक कि नवनीत सीधे उद्धव ठाकरे से टकरा गई थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार करके जेल में भी बंद कर दिया गया था। दावा किया जा रहा है कि उसके बाद से ही अमरावती में कुछ बड़ा करने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन जब नूपुर शर्मा का विवाद बढ़ा तो मामला और ज्यादा बिगड़ गया। नूपुर शर्मा का ही पोस्ट उमेश कोल्हे ने शेयर किया था, जिसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। इस मामले को लेकर नवनीत राणा ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था, जिसके बाद ही इस पूरे मामले की एनआईए जांच कर रही है। इस वक्त उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे से ज्यादा नवनीत राणा की चर्चा हो रही है। एक दिन पहले उमेश कोल्हे के परिवार से भी जाकर नवनीत राणा मिल चुकी है और खुद रोने लगी थी। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग कर रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नवनीत राणा की वजह से ही उमेश कोल्हे के साथ जो हुआ दुनिया के सामने आ सका, नहीं तो पुलिस इसे बाहर ही नहीं आने देती। लेकिन अब पुलिस कमिश्नर आरती सिंह ने भी बहुत बड़ा खुलासा करते हुए स्वीकार कर लिया है कि उन्हें पहले से ही पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन ये पूरा मामला पैगंबर विवाह से जुड़ा होने की वजह से इसका खुलासा नहीं किया गया था। यानी कि नवनीत राणा ने जो आरोप लगाए थे उसकी आधी सच्चाई खुद पुलिस कमिश्नर के बयान से सामने आ गई है और बाकी की सच्चाई जल्द ही एनआईए की जांच में सामने आ जाएगी। वैसे आपकी नजर में अमरावती में जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है और नवनीत राणा जो कर रही है उसे लेकर आपका क्या कहना है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।